वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी में चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के कुशल पर्यवेक्षक में शाहपुर पुलिस ने 3 टेम्पो चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा 2 चोरी हुए टेम्पो बजाज ऑटो को बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर कौवाबाग चौकी मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान समीम, विकास और मनीष चौहान के रूप में हुई है। इनके ऊपर पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं तथा पिपराइज क्षेत्र में टेम्पो के पार्ट्स को खोलकर तथा अलग अलग करके बेचने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि 6 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया, जो बधाई के पात्र हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर जेल रोड चौकी प्रभारी रामानुज सिंह यादव, उप निरीक्षक अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, अखिलेश यादव, श्रवण कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं एवं विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो एवं ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराइज क्षेत्र में टेम्पो खोलने का ये घटना सामने आई है। अभी तक 2 ऑटो की बरामदगी हुई है एवं बाकी भी प्रयास जारी है कि इन्होंने पूर्व में भी कहां कहां ये कार्य करते आए हैं।